Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. So, आज के क्लास में हम लोग एक बहुत प्यारा सा प्लस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज. हिंदी में इसको बोला जाता है प्रतिशत. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस वाले टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास में 4 से 5 और टॉपिक है. इसका मतलब अगर हमने परसेंटेज को अच्छे से क्लियर कर लिया, परसेंटेज के जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी मेथड्स बनते हैं, जितने भी इसके हमारे पास में क्वेश्चंस हैं, उन सबको अगर हमने अच्छे से क्लियर कर लिया तो हम अरिथमेटिक मैथ्स के 4 से 5 और टॉपिक है जो परसेंटेज से इंटरलिंक है, उन टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. जैसे कि अगर हमने परसेंटेज को अच्छे से सीख लिया तो इससे रिलेटेड एक टॉपिक होता है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में बोला जाता है लाभ और हानि. इसके अलावा डिस्काउंट, जिसको छूट या फिर बट्टा बोला जाता है हिंदी में, और सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक हो गया. इस टाइप से 4 से 5 टॉपिक हमारे पास में है जिनको हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ इसी कंडीशन पे कि हमारा परसेंटेज क्लियर है. सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. आज की क्लास के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं. प्लस में मेन बात यह है कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के जो हमारे तरीके होने वाले हैं वो डिफरेंट होने वाले हैं. ठीक है, हम हर एक क्वेश्चन के अंदर उस मेथड का यूज करने वाले हैं जो सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग हमारा मेथड होगा. ठीक है, वैसे तो 2 से 3 जितने भी मेथड्स बनते हैं, कोई भी क्वेश्चन होता है ना, उसको सॉल्व करने के नॉर्मली 2 से 3 तरीके तो हमारे पास में होते ही हैं. सो उन सभी पर हम लोग डिस्कस करेंगे, बट हम लोग ये चीज भी उसके अंदर स्पेसिफाई करेंगे कि एग्जाम के अंदर कौन से मेथड से हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो बेसिकली बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स आज की क्लास में होने वाले हैं. प्लस में क्वेश्चंस तो सारे के सारे पीवाईक्यू ही है, यानी कि क्वेश्चंस तो सारे के सारे हमारे पास में इंपॉर्टेंट ही है. सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. क्लास स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें. सबसे पहले क्वेश्चन पर अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इसमें देखो क्या बोला है. कोई संख्या x से 50% कम है और अन्य संख्या x से 20% कम है, तो दोनों संख्याओं का रेशियो या फिर अनुपात हमें बताना है. बहुत इजी क्वेश्चन है. तो देखो, कोई संख्या है मान ली a, ये कोई b है और ये कोई c संख्या या फिर जिसको x बोल रखा है. ठीक है, सो x को अगर हम लोग ने 100 मान लिया, तो इसने बोला है कोई एक संख्या है जो इससे 50% कम है. 100 से 50% कम है तो कितनी है वो, 50% ही है. ठीक है, और दूसरी संख्या है इससे 20% कम है. 20% तो कम है, तो है कितनी एक्चुअल में, 80% है ना. 100 का 20 कम कर दिया तो कितना आएगा हमारे पास में, 80%. और क्वेश्चन ने पूछा है क्या दोनों का रेशियो क्या है, यानी कि ए रेशियो बी हमें फाइंड आउट करना है. आंसर कितना आ जाएगा यहां से हमारे पास में, सिंपली 5:8. ठीक है, आंसर कितना आएगा, 5:8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट ऑप्शन. बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन था क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था. ठीक है, किसका क्वेश्चन है ये, एसएससी एमटीएस का पीवाईक्यू है, यानी कि एमटीएस के एग्जाम में आया हुआ है 2019 के एग्जाम में. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड. ऐसा नहीं है कि एमटीएस का क्वेश्चन है तो आगे जो एमटीएस की शिफ्ट होने वाली है या फिर एमटीएस के जो एग्जाम्स होने वाले हैं 2024 में हो गया, उसी में ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एसएससी का बेसिक फंडा यही है. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो एसएससी एमटीएस में आए हुए होते हैं और वही क्वेश्चन सीजीएल टीयर 2 में भी रिपीट होता है. बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीजीएल टीयर 2 का है वो सीएचएसएल में भी आया हुआ है. सो क्वेश्चन की लेवल डिपेंड नहीं करती है. हमारा बेसिक जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि हमें हर टाइप का हर एक क्वेश्चन आना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या है. यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20% कितना है. ठीक है, 20% कितना है, आंसर सीधा आएगा 30. कैसे आया, दो मेथड है, दोनों बता देती हूँ कैसे. फर्स्ट तो वही हमारे पास में घिसा पिटा मेथड, जिसको बोल सकते हैं हम लोग एक्स वाला मेथड. ठीक है, कोई संख्या है मान ली एक्स, उसका 40%, उसके एक्स के 60% से कितना, 60% से कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है. यहाँ से सॉल्व करके हम लोग x की वैल्यू फाउंड आउट करेंगे, फिर हम लोग x का 20% फाइंड आउट करेंगे, फिर जाकर के हमारा आंसर आएगा. ठीक है, ये वाला मेथड है x वाला मेथड, जो कि हमें एग्जाम में बिल्कुल भी यूज नहीं करना है.
ठीक है। सो मैम हम एग्जाम में कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, देखो किसी संख्या का 60%, ठीक है, कोई संख्या है, कोई भी रैंडमली संख्या है, फिक्स नहीं है कोई भी हो, उसका 60% और उसका जो 40% है वो, उन दोनों के बीच का गैप 30 के बराबर दे रखा है, तो हम लोग निकाल ले उन दोनों में है कितना गैप, 40 और 60 में परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितने का डिफरेंस है, 20% का। बट उसमें एज अ नंबर अगर हम देखें, न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर हम देखें, संख्यात्मक रूप से कितने का उसमें है, 30 का गैप है ना, यानी कि 20% की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 30 के बराबर आ गई, है ना। तो यहां से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, बट उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ने पूछी है उस संख्या का 20% कितना है, 20% की ही वैल्यू हमसे पूछ रखी है, ध्यान रखना। कई बच्चे यहां से करेंगे 20% की वैल्यू आगे, फिर 1% की निकालेंगे, फिर 100% की निकालेंगे, फिर उसका 20% निकालेंगे, आफ्टर ऑल आंसर हमारा सेम ही आना है, वहां से भी आंसर हमारा 30 ही आएगा, ठीक है। So, इतना सब नहीं करना है, जस्ट हमने देखो सीधा क्वेश्चन देखा, क्या देखा हमने क्वेश्चन के अंदर कि उसने बोला है संख्या का 40% और 60% 30 कम है, तो 60 में से 40 गया 20, यानी कि इसको मैं यहां लिख देती हूँ 20, 20 की वैल्यू 30 के बराबर है, और पूछा क्या है क्वेश्चन ने, 20% ही पूछ रखा, तो सीधा सीधा आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 30, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट ऑप्शन, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, और किसका है ये, CHSL का, SSC CHSL 2020 का, ठीक है। सेम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छे से इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, कैसे सॉल्व करने वाले हैं, देखो इसने बोला है यदि पी क्यू से 50% अधिक है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखने में कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बट ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्लस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी बनता है। कैसे कंफ्यूजिंग बनता है, हम लोग निकाल तो लेते हैं सॉल्यूशन, बट हमें ना ये नहीं समझ आता किसको डिनोमिनेटर में लेना है, किसको न्यूमिनेटर में लेना है, इस टाइप की चीजों में हम खुद से ही कंफ्यूज होकर के रह जाते हैं। सो वो सब चीजें आज हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे, दो मेथड्स की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट मेथड्स होने वाले हैं, उन दोनों में भी ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जाम के अंदर कौन सा मेथड हमें यूज करना है। सो सबसे पहला अगर हम लोग मेथड देखें जो बेसिकली हर कोई यूज करता है, क्या है उसके अंदर, जैसे बोला है पी जो है वो क्यू से 50% अधिक है, पी जो है वो क्यू से 50% अधिक है, अगर क्यू 100 है तो पी की वैल्यू हो गई 150, ठीक है। अब क्वेश्चन ने पूछा है तो क्यू पी से कितना कम है, कितना कम है, कितना कम है, क्यू जो है वो पी से कितना कम है, 50 कम है, जिसके साथ भी से या फिर का वर्ड लग रखा होता है उस वैल्यू को हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। पी के साथ में लग रखा है यानी कि बाय में 150 और परसेंटेज निकाल रहे हैं इस वजह से मल्टीप्लाई बाय 100, यहां से कितना आएगा हमारे पास में 33 सही 1/3 या फिर 33.33%, या फिर बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये है फर्स्ट मेथड, इसका यूज हमें एग्जाम के अंदर नहीं करना है, बाकी ये वाला मेथड आप लोग देख सकते हो, सीख सकते हो, क्योंकि ना बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर हमें सारे मेथड आने चाहिए कि पता नहीं किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लग जाए, ठीक है। सेकंड अगर हम लोग बात करें रेशियो मेथड, इसके अंदर देखो क्या है, इससे बोला है पी क्यू से 50% अधिक है, ठीक है, 50% का रेशियो हमारे पास आता है 1/2, 50% का रेशियो आता है 1/2, यानी कि अगर ये Q है तो उसमें एक अधिक P है, अगर Q की वैल्यू 2 है तो P की वैल्यू इसमें एक अधिक है यानी कि 3 है। क्वेश्चन ने पूछा है कि P से कितना अधिक कितना कम है, जो Q है वो कितना कम है, 1, किससे, से किसके साथ लग रखा है, P के साथ, P की वैल्यू कितनी है 3, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, यहां से भी आएगा हमारे पास में 100/3, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसको 33.33%, यहां से भी हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट ऑप्शन आया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ये दो मेथड्स थे जो कि बेसिकली हर एग्जाम में हर स्टूडेंट यूज कर रहे हैं, बट हम लोग आज के क्लास स्पेशली यही है कि हमारे अप्रोच जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वो बाकी स्टूडेंट से कैसे अलग होने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक रूल, एक मेथड डिस्कस करने वाले हैं, एक बार उस पर बात कर लेते हैं हम लोग, देखो
इसका हम लोग नाम देंगे एबी रूल, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एबी रूल। एबी रूल के अंदर क्या होता है हमारे पास में, एबी रूल के अंदर हमारे पास में क्या होता है कि कोई भी दो वैल्यू है ए इंटू बी, अगर उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हमारे पास कॉन्स्टेंट आती है, कॉन्स्टेंट आती है, कॉन्स्टेंट क्या होता है, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है फिक्स, ठीक है। अगर हमारे पास कोई दो वैल्यूज है ए और बी, उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन अगर हमारे पास कॉन्स्टेंट आती है तो वहां पर हम लोग ए बी रूल का यूज कर सकते हैं, ए बी रूल को हम लोग वहां पर जो ए बी मेथड है इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू कॉन्स्टेंट आएगी क्या, ये क्या खिचड़ी पका दी, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब एक वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियसली दूसरे वाली वैल्यू घटेगी, है ना, एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे वाली वैल्यू घटेगी। जैसे जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों ने कई बार देखे भी होंगे, सॉल्व भी किए होंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस कि कोई भी परिवार है उसका खर्चा इतना है और उसकी खपत इतनी है, ठीक है, खर्चा 20% बढ़ गया तो खपत बताओ कितनी कम होगी, तो एक चीज बढ़ी तो दूसरी चीज कम हो गई, या फिर इसका इनवर्स ले सकते हैं कि एक चीज कम हुई तो दूसरी चीज बढ़ गई। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हो कि एक चीज बढ़ गई दूसरी चीज कम हो गई, सो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है, हमारे पास में उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या रहने वाली है, यहाँ पर हम लोग इसको देखने वाले हैं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या रहने वाली है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि अपने क्वेश्चन पर आते हैं, इसको मैं इरेज कर दूं, फर्स्ट वाले मेथड को मैं यहां, इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूं, सेकंड वाले मेथड को देखो, क्या बोलता है हमारे पास में पी वाई ए बी रूल, हमारे पास में क्या बोलता है, देखो इसने बोला है यदि पी क्यू से 50% अधिक है, अधिक है तो प्लस में, कम है तो माइनस में, ठीक है, 50% अधिक, क्या हम इस चीज को लिख सकते हैं रेशियो में, 50% का रेशियो, सॉरी फ्रैक्शन, 50% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 1/2, और अधिक दे रखा है तो यहां पर सिंबल लगाएंगे हम लोग प्लस का, ठीक है, 50% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2, और अधिक दे रखा है इसका मतलब हम लोग सिंबल लगाएंगे प्लस का, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ध्यान से देखना क्या करना है हमें इस वाले क्वेश्चन के अंदर, अगर ये इससे इतना अधिक है तो दूसरे वाली वैल्यू इससे कितनी कम है, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, यहां पर प्लस है तो यहां माइनस लगाना है, वहां प्लस है तो यहां माइनस, अगर माइनस दे रखा है तो उसका अपोजिट प्लस लेंगे, ठीक है, मतलब अपोजिट सिंबल हमें लेना है, प्लस दे रखा है तो माइनस, माइनस दे रखा है तो प्लस, ठीक है, ऊपर हमेशा न्यूमिनेटर एज इट इज हमें सेम लिखना है, यहां 5 होता तो मैं 5 लिख देती, यहां पर 3 होता तो मैं 3 लिख देती, मतलब न्यूमिनेटर की जो वैल्यू है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, उसको हमें एज इट इज लिखना है, ठीक है। अब देखो यहां जो भी सिंबल है उसका यूज करो इन दोनों डिजिट्स पर, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पे, क्या दे रखा है प्लस, यानी कि इन दोनों को हम लोग आपस में प्लस करेंगे, 2 और 1 कितना आएगा 3, आंसर कितना आएगा हमारे पास में -1/3, माइनस का इन द सेंस कि कम है, ठीक है, माइनस का मतलब कम है, क्वेश्चन ने कम ही पूछ रखा है, कितना कम है 1/3, और हम सबको पता है 1/3 को जो फ्रैक्शन है इसको जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 33.33%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। तीन मेथड से हमने एक बेसिक से सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा है, फर्स्ट मेथड बहुत अच्छे से क्लियर किया कि जिसके साथ भी से या फिर का वर्ड लग रखा है उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लेना है, सेकंड मेथड रेशियो मेथड का भी हमने बहुत अच्छे से यूज करके उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा, एंड फाइनली जो हमारा मेन टारगेट था आज की क्लास का जिसको बोला जाता है एबी रूल, ठीक है, एबी रूल का मतलब जब एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू घट रही है, उस टाइप के जब भी क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, सो वहां पर हमने जो मेथड का यूज करना है उस वाले मेथड को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, वहां से भी हमारा जो आंसर है वो सेम आया है, कितना, ऑप्शन नंबर डी 33.33%, ठीक है। आई होप ये जो ए बी रूल है बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, प्लस में बहुत इंपॉर्टेंट रूल है,
कितना ही टाइम लगा होगा, जितनी देर में हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शन बिठाएंगे ना, सॉरी रेशियो को बिठाएंगे, रेशियो सेट करेंगे, p की वैल्यू इतनी, q की वैल्यू इतनी, इतनी देर में तो हमारा आंसर आ जाएगा ए बी रूल से, है ना। सो हमें ए बी रूल का एग्जाम के अंदर यूज करना है इंस्टेड ऑफ रेशियो मैथड, इंस्टेड ऑफ बेसिकली रेशियो ही मैथड है, 100 वाला रूल भी बोल सकते हैं, 100 वाला रूल या फिर रेशियो मैथड को हमें अवॉइड करके ए बी रूल का यूज करना है उन जगहों पर जहां पर ए इंटू बी की वैल्यू कॉन्स्टेंट आएगी। ए इंटू b की वैल्यू कांस्टेंट आएगी का मतलब जब a की वैल्यू बढ़ रही है तो b की वैल्यू घटेगी, या फिर a की वैल्यू घट रही है तो b की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4th। इसने बोला है a की आय b की आय से 25% अधिक है, b की आय a की आय से कितना प्रतिशत कम है। सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, बट तीनों मेथड से नहीं देखेंगे, हमारा जो मेन टारगेट है आज की क्लास का दैट इज ए बी रूल, इसकी हेल्प से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसने बोला है 25% अधिक है, 25% अधिक है, ठीक है, बस इतना ही हमें ना, 25% अधिक, बस ये वर्ड मिल गया क्वेश्चन सॉल्व। कैसे सॉल्व, देखो अधिक का मतलब प्लस, 25% का मतलब 1/4, ठीक है। क्या करना है हमें, सिंबल अपोजिट लेना है, प्लस की जगह पर माइनस, न्यूमिनेटर की वैल्यू एज इट इज 4 और 1 5, आंसर आएगा हमारे पास में माइनस, यानी कि कम है, ठीक है, कम है वाली ही वैल्यू पूछ रखी है, कितना कम है 1/5, 1/5 को हम लोग इसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 20%, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ए बी रूल का यूज किया है, अगर ना समझ आया हो अभी भी तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। इसने बोला है मोहन की आय शाम की आय से 40% अधिक है, शाम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। सेम देखो, 40% अधिक, 40% अधिक, ठीक है, इंग्लिश में मोर दे रखा होगा, अधिक का मतलब अधिक है, ज्यादा है, यानी कि प्लस, 40% को जब हम फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना आएगा 2/5, 2/5, क्या करना है, प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस का, न्यूमिनेटर को तो मैम एज इट इज लिखना है, और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो कैसे, इन दोनों के साथ में जो भी सिंबल लग रखा है उसका यूज करना है, 2 और 5 के साथ में प्लस का सिंबल लग रखा है तो प्लस का यूज करेंगे, यानी कि 5 और 2 7, आंसर आएगा हमारे पास में 2/7, माइनस का मतलब कम है वैल्यू, है ना, कम वाली ही निकालनी थी, यानी कि हमारे पास कितना आएगा आंसर, 2/7। अब देखो 1/7 का फ्रैक्शन तो हमने याद कर रखा है, 14 सही 2/7 होता है ना, लेकिन आंसर आया है कितना हमारे पास में 2/7, यानी कि इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हुई है और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हुई है, यहाँ तो हो गया 2/7, 14 दुनी 28, और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 4/7, यानी कि हम लोग, अच्छा 14.28 ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसी फ्रैक्शन में इसको ना थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, 1/7 को जब, 1/7 जो फ्रैक्शन है जब हम इसको परसेंटेज में काउंट करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 14 सही 2/7, या फिर 14.28%, ठीक है। अब क्या किया है क्वेश्चन ने, 2/7 की वैल्यू निकाली है, यानी कि इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, सो 14 दुनी 28, और यहां से देखो 8 दुनी 16 और 5 56, यानी कि 28.76%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा नियरेस्ट ऑप्शन है, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें 1 था ऊपर न्यूमिनेटर में, इसमें भी इसमें 1 था, इससे पहले इस वाले क्वेश्चन में भी 1 था, बट अभी जो रिसेंटली क्वेश्चन सॉल्व किया है इसमें न्यूमिनेटर की वैल्यू 2 दे रखी थी, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि 1 ही क्यों ले रहे हैं हर टाइम में, 1 हो 2 हो 10 हो 12 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल ये है कि एज इट इज हमें न्यूमिनेटर की वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो बोला है यदि a की आय b से 20% कम है, ठीक है, तो b की आय a से कितना प्रतिशत अधिक है। अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे अधिक वाले और कम का पूछ रखा था, ये थोड़ा सा रिवर्स क्वेश्चन है, रिवर्स कैसे है और इसके अंदर क्या चेंजमेंट करना है ध्यान से देखना। इसने बोला है 20% कम है, ठीक है, कम का मतलब माइनस, है ना, कम माइनस, अधिक दे रखी है तो
प्लस लेना है 20 को क्या खोल के लिख सकते हैं 1/5। अब देखो माइनस है तो माइनस की जगह क्या लिखना है प्लस लिखना है, ऊपर वाली वैल्यू हमें एज इट इज लिखनी है और यहां पर डिनोमिनेटर कैसे सेट करना है कि इन दोनों के साथ जो सिंबल दे रखा है उसका यूज करना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पर, यानी कि 5 में से 1 को हमें घटाना है। सो यहां कितना आएगा 4, 1/4 प्लस का मतलब अधिक, अधिक वाली वैल्यू ही पूछ रखी है तो सो प्लस का यहां पर कोई काम नहीं है बेसिकली। सो 1/4 एंड 1/4 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 25%, 1/4 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 25%, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th। इसने बोला है अगर योगी से केजरीवाल के अंक इतने कम है, ठीक है, इतने कम है तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत ज्यादा है। देखो इसने बोला है 33.33% कम है, ठीक है, कम है, ठीक है। 33.33 को हम लोग क्या लिख सकते हैं मैम 1/3 लिख सकते हैं, कम है तो इसको लिखेंगे माइनस में, ठीक है। अब देखो माइनस का अपोजिट प्लस का, न्यूमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर पे इन दोनों के साथ जो सिंबल है उसका यूज करना है, यानी कि 3 और 1 पर हमें माइनस लगाना है, यानी कि 3 - 1 बचेगा कितना 2। 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 50%। अब कई लोग पूछेंगे मैम 1/2 को 50% कैसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं किया, जो भी आंसर है उसको 100 से मल्टीप्लाई करा दो। ये जो आया है ना मैं यहीं पर लिख देती हूं उसको, देखो जो आंसर आया है इसको 100 से मल्टीप्लाई करा दो कितना आ जाएगा यहां से 50%। सेम हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, मैं यहां पर भी बता देती हूं। देखो 1/4 था, 1/4 से 25% कैसे किया, इसको कुछ नहीं करना, 100 से गुणा करनी है, 25 * 100 25% आ गया, ठीक है। यहां से आंसर कितना बन जाएगा हमारे पास पे 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8th में देखो क्या दिया है। इसने बोला है राधे माँ की आयु 20 वर्ष है, अगर कम करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है फिर राधे माँ की आयु कम करीम खां से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। यहां पर देखो फिक्स दे रखी है कि राधे माँ की आयु 20 वर्ष है, इस वाली लाइन का क्या यूज है, कुछ भी यूज नहीं है, जस्ट ये वाली लाइन हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, इस वाली लाइन का कोई मतलब नहीं है। यहां 20 साल दे रखी हो चाहे 80 साल दे रखी हो चाहे 80 साल 6 महीने 218 दिन दे रखी हो, कहने का मतलब कोई भी वैल्यू दे रखी हो हमें वैल्यू को उठाना ही नहीं है, टच ही नहीं करना है, जस्ट उसको साइड में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, कैसे करते आ रहे हैं कि 25% अधिक है, ठीक है, हम लोग नोट कर लेंगे 25% मोर या फिर हिंदी में बोल सकते हैं अधिक है, ठीक है। अब देखो 25% अधिक, अधिक है तो प्लस में यूज करेंगे, 25% को क्या लिख सकते हैं खोल के 1/4, कैसे 25 एज इट इज परसेंटेज है, परसेंटेज हटती है तो नीचे 0, 25 * 1 = 25 * 24 = 100, सो इस वजह से इसको क्या लिख दिया प्लस का 1/4। अब क्या करना है, देखो प्लस है तो यहां पर आ जाएगा माइनस, न्यूमिनेटर एज इट इज और इन दोनों का यूज करना है जो इनके साथ सिंबल है उसमें, तो 4 और 1 को क्या करना है प्लस करना है, जोड़ना है, 4 और 1 कितना आ जाएगा 5। अब 1/5 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 20%, कैसे लिख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन में बताया है, एक लास्ट टाइम और बता देती हूँ, 1/5 * 100 करेंगे, इसको कैंसिल करने पर कितना बचेगा हमारे पास में बेसिकली 20%, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो कितना होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत प्यारा मेथड है ए बी रूल जो है हमारे पास में, बहुत प्यारा मेथड है। खुद सोचो इस टाइप के क्वेश्चंस में कितनी कंफ्यूजन होती थी, किसको डिनोमिनेटर मिले, अधिक पूछ रखा है, कम पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, कितनी खिचड़ी पकती थी। और इस वाले मेथड से सोचो मतलब ना जब तक हम लोग रेशियो बनाएंगे किसी भी मेथड से अगर हम सोल्व करेंगे, जस्ट हम बेसिक लिखेंगे उसमें क्वेश्चन का, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को सोल्व करेंगे, इतनी देर में तो यहां से हमारे पास में आंसर आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। इसने बोला है अगर राजधानी शताब्दी से इतना धीमी है, ठीक है, तो शताब्दी राजधानी से कितना प्रतिशत तेज है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं है कि मैम उसका क्वेश्चन यहां पर क्यों करा रहे हो, बेसिकली हमारे पास में परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, 16 सही 2/3% अधिक है, ठीक है, अधिक है,
इसको क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन खोलेंगे कितना आएगा 1/6, कैसे 48 और 2 50 बटे 3, परसेंटेज हटेगी तो नीचे 2 0, 0 से 0 5 एकम 5 के 30, यानी कि 16 सही 2 बटे 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/6, और क्या बोला है अधिक है यानी कि प्लस का 1/6, ठीक है। अब क्या करना है, प्लस दे रखा है तो यहाँ माइनस लेंगे, न्यूमिनेटर हमें एज इट इज लेना है और डिनोमिनेटर को कैसे सेट करना है, इस तरह से हमें सेट करना है कि इन दोनों पर हमें वो सिंबल यूज करना है जो इनके साथ लग रखा है, यानी कि प्लस लग रखा है, यानी कि 6 और 1 को हमें प्लस करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 7। माइनस का मतलब कम वाली वैल्यू निकालनी, अच्छा सॉरी धीमा दे रखा है, सॉरी इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखो थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे, क्या बोला है इतना प्रतिशत धीमा है ना, सॉरी इसने बोला है इतना प्रतिशत धीमी है, यानी कि माइनस का कितना 1/6, ठीक है। तेज का पूछ रखा है, सो माइनस का अपोजिट कितना होता है प्लस, 1/1 तो एज इट इज, न्यूमिनेटर तो एज इट इज लेंगे, और जो डिनोमिनेटर है उसको कैसे सेट करेंगे कि मैम इन दोनों डिजिट्स पर हमें, इन दोनों डिजिट्स पर हमें वो सिंबल यूज करना है जो इनके साथ लग रखा है, यानी कि 6 और 1 को हमें माइनस, 6 और 1 को हमें माइनस करना है, 6 में से 1 गया 5, प्लस का मतलब तेज वाली वैल्यू निकाल रहे हैं, तेज वाली वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है। 1/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 20%, 1/5 को बेसिकली हम लोग कितना लिख सकते हैं 20%, यानी कि हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, इसमें देखो क्या दिया है। आशा राम की अनियमित काम करने की आदतों के कारण उनका वेतन 20% कम हो गया था, 20% कम हो गया था, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनका वेतन मूल वेतन से बढ़ा दिया गया, उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि हमें बतानी है, कम कितना किया था 20%, कैसे करेंगे, सेम क्या क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन ने, 20% कम हो गया यानी कि माइनस का है ना, 20% कम, ठीक है, कम है यानी कि माइनस का, 20% को खोल के क्या लिख सकते हैं 1/5, ठीक है। अब देखो माइनस का अपोजिट प्लस, न्यूमिनेटर की वैल्यू एज इट इज, और डिनोमिनेटर को हमें कैसे सेट करना है कि इन दोनों वैल्यूज पर वो सिंबल का यूज करना है जो इनके सामने लग रखा है, यानी कि 5 और 1 पर हमें माइनस का यूज करना है, 5 माइनस 1 कितना आएगा 4, 1/4 को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं 25%, यानी कि हमारा जो फाइनली आंसर बनेगा वो कितना आएगा, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th, इसने बोला है चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि है, फिर कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है ताकि वह समान रहे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग वैसे करें रेशियो की फॉर्म में तो ना बहुत खिचड़ी बहुत भड़क है, कैसे सॉल्व करना है हमें, बहुत प्यार से एबी रूल का यूज करके हमें सॉल्व करना है, कैसे देखो कितना दे रखा है हमें 25% वृद्धि, 25% की वृद्धि, वृद्धि यानी कि इंक्रीज है ना, वृद्धि यानी कि हमें क्या दे रखा है, इंक्रीज की, इंक्रीज्ड वैल्यू दे रखी है, ठीक है, इंक्रीज्ड है, वृद्धि है, तो प्लस का 25% को लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। प्लस का अपोजिट माइनस, 1 एज इट इज, और 4 और 1 पर प्लस का सिंबल हमें यूज करना है, यानी कि 4 और 1 को हमें जोड़ना है, 4 और 1 कितना हो गया 5, सो घटी हुई वैल्यू वह खपत कम है ना, कम वाली वैल्यू निकालनी है, हमने कम वाली ही निकालनी है क्योंकि माइनस का सिंबल तो शो कर रहे हैं ना कि आपने कम वाली वैल्यू निकाली है, और 1/5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको ना थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, देखो 1/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से 20% है ना, 1/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से 20%, यानी कि हमारा जो फाइनली आंसर होने वाला है वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का हमारा बेसिकली लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th, इसने बोला है चीनी की कीमत में इतने परसेंट की वृद्धि हुई, ठीक है, फिर
कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है ताकि व्यय यानी कि खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर समान रहे, है ना। देखो क्या बोल रखा है, 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है, ठीक है। वृद्धि है यानी कि कोई भी वैल्यू इंक्रीज होती है तो प्लस में, डिक्रीज होती है तो माइनस में। वृद्धि दे रखा है तो प्लस का, 16 सही 2/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से, 1/6, ठीक है, 1/6। अब देखो प्लस है सो माइनस, न्यूमिनेटर एज इट इज, और 6 और 1 पर हमें प्लस को अप्लाई करना है, प्लस का सिंबल 6 और 1 पर यूज करना है तो कितना आ जाएगा, 7। माइनस क्या डिनोट करता है, माइनस क्या दिखाता है हमें कि कम वाली वैल्यू निकालनी है, कम वाली ही निकालनी है, ठीक है। 1/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14 सही 2/7, या फिर इसको लिख सकते हैं 14.28%, ठीक है। ऑप्शन में मैच करते हैं क्या दे रखा है, 14 सही 2/7%, यानी कि हमारा जो फाइनली आंसर होने वाला है वो कितना होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, इसका मतलब इतने ही क्वेश्चंस थे, इसका मतलब इतने ही क्वेश्चंस थे, ठीक है। आज की क्लास बेसिकली हमारी बहुत प्यारे प्लस में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रही है, जिसके अंदर हमने मेनली एबी रूल पर वर्क किया है, है ना, एबी रूल पर हमने काम किया है। आई होप एबी रूल आप लोगों को बहुत अच्छे से बहुत प्यार से समझ आया होगा, प्लस एबी रूल पर जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, यानी कि एबी रूल पर जितने भी क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आए होंगे, सारा का सारा जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, सारे जितने भी क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, पीवाईक्यू क्वेश्चंस थे, कोई एसएससी के सीजीएल का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कोई सीएचएसएल का है, तो कोई एसएससी जीडी का है, तो कोई हमारे पास में एसएससी एमटीएस का भी क्वेश्चन है, यानी कि सारे के सारे मिक्स क्वेश्चंस थे। हर एक एग्जाम की तैयारी हम लोग यहां से कर सकते हैं, प्लस में सारे के सारे पीवाईक्यू थे, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी ट्रिक्स, जितने भी फॉर्मूलास, जितने भी कॉन्सेप्ट पर आज हमने बात की है, आप लोगों को सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से बहुत स्मूथली समझ आई होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।